हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कुकिंग पाठशाला। आज हम बनाएंगे बेल का शरबत। गर्मी के सीजन में अगर बेल का शरबत ना पिया तो फिर क्या पिया। जगह जगह स्टॉल लगे रहते हैं बेल के, तो बेल का शरबत पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेल का शरबत, और इसे किस तरह से बनाएंगे वो आपको बताते हैं। अब इस तरह से देखिए, मैंने डंठल इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, तो ये डंठल जब निकल जाता है तो समझिए हमारा बेल पक चुका है। तो हमारे प्लाट में एक पेड़ लगा है, उससे मैंने ये बेल तोड़ा है, पका हुआ बेल है। इसको हल्का सा इस तरह से टैप करते हुए हम फोड़ लेंगे, ये आसानी से फूट जाता है। तो एक लकड़ी का बेलन टाइप का है, उससे मैंने इस बेल को फोड़ा है, और बेल काफ़ी अच्छे से पक चुका है। इसकी दो पहचान होती है, एक तो डंठल, इसको आप डंठल अगर लगा है तो तोड़िएगा तो आराम से ये निकल जाता है। तो समझिए बेल पक चुका है और हल्का पीला भी हो जाता है। तो चलिए अब ये बेल हमने फोड़ लिया है और इसके पल्प को निकालेंगे। तो आप चाहें तो इस चम्मच की सहायता से या हाथ से इस तरह से आप बेल को देख रहे हैं कितनी आसानी से ये फोड़ रहे हैं, और मैश हो रहा है। अब इसके बीजों को हम आराम से निकाल लेंगे। इसके बीज ना रहने पाएं वरना कड़ुआपन लगता है, तो इसके बीजों को आसानी से ये निकल जाता है, तो आप निकाल लीजिएगा। और छिलकों में काफ़ी मात्रा में ये देखिए निकलता है, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसके पल्प को हम निकाल लेंगे। तो हमें इस तरह से हमने गूदे निकाल लिए हैं सभी, और यानी कि पल्प को निकाल करके इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिलाते हुए आप देखेंगे कि इसको मसल करके अगर हम निकालेंगे तो इसमें रेशे काफ़ी मात्रा में होते हैं। किसी किसी में कम होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसे रेशे को निकाल लेंगे सब, यानी कि पूरा पूरा हमें इसका पल्प ही लेना है। इसमें कम से कम हमारा 2 गिलास अच्छे से जूस निकल के रेडी होगा। अब इसको हम स्ट्रेनर की सहायता से यानी कि छन्नी की सहायता से बड़ी वाली हम इसको छान लेंगे। तो इससे बहुत आसानी से छन जाती है, आप चाहें तो कपड़े या मलमल के कपड़े से भी छान करके ले सकते हैं। तो अभी हम चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिलाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत ही ठंडा पानी भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी से निकाल करके फिर ठंडा पानी ऐड करके पी सकते हैं। तो इसको सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, बहुत ही पेट के लिए डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये कई चीज़ों में फ़ायदेमंद भी होता है बेल। ये शरीर पेट को ठंडा भी करता है। अब इसमें चीनी डालेंगे, तो शुगर वाले चीनी ना लें और बाकी ऐसे ही पी सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड कर रखे हैं, तो जिसमें से हमने लिया है काला नमक और ये भुना हुआ जीरा, जो टेस्ट को बढ़ाएगा इसके। और जीरा तो पेट के लिए भी फायदेमंद होता है और काला नमक भी, तो इसे थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज होता है, पीने में आसानी होती है, थोड़ा सा इसका जो बेल का महक है वो भी थोड़ा सा कम हो जाती है, और बहुत ही अच्छा होता है। तो आप चाहें तो बहुत गाढ़ा भी कर रख सकते हैं, लेकिन ये इतना सही है। तो इस तरह से अब हमने बेल के शरबत को बना लिया है। देखिए 2 कप रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डाल करके और इसको सर्व करेंगे। तो चलिए बेल का शरबत बनके रेडी हो चुका है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये बेल का शरबत आपको कैसा लगा। अगर आपको बेल की कैंडी या बेल का मुरब्बा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।